जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, अपनी 100th फिल्म में आप अपनी लेडी लक के साथ काम कर रहे हैं और कितने सालों बाद काम कर रहे हैं, वो एक एक कैसी, मतलब ट्यूनिंग तो ऑफ कोर्स अमेजिंग है ही, बट वो कैसी फीलिंग थी व्हेन यू हैव द बेस्ट लेडी ऑफ योर लाइफ इन योर 100th फिल्म? आई डोंट नो व्हाट द फीलिंग इज, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि घर पे ही है सेट पे नहीं है. तो वी बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी आल्सो एंड वी बिहेव लाइक दिस एट होम आल्सो, तो कोई ऐसा फर्क लगता नहीं है. सर एक सवाल भूल गया मैं. काजोल मैम, अभी आपने देखा ताना जी कि जो आप जब आप फिल्म देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि बेटे की शादी होने वाली है और वो वॉर पे निकल जाते हैं अपना धर्म निभाने, सो उसी तरह से इस वक्त काजल जो हैं वो सिंगापुर में निशा की जो पढ़ाई चल रही है तो वो वहाँ पर है. इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो ऑब्वियसली कोई एक पेरेंट को जाना था तो शी हैड टू गो. ऑलराइट. और स्क्रीन पे जब हमने उन्हें देखा वो मतलब वहीं पे सब लोग फ्लोर हो गए. उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फॉर दिस एंटायर अमेजिंग टीम ओवर हियर. रोहित सर अब आप यहाँ पे आए. okay. अब आपकी दूसरी भूमिका है. इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑफ. सॉरी. मेरा सवाल ये है कि काजोल फिल्म में काफ़ी अहम किरदार निभा रही हैं, तो ट्रेलर लॉन्च पे नहीं आई हैं, कोई खास वजह है? सर गुड मॉर्निंग, वेक अप. अभी रोहित जी ने ये जवाब दिया था थोड़ी देर पहले, जागिए. लेट कमर्स. वी जस्ट टेक टू मोर क्वेश्चंस. आऊंगा सर मैं आपके पास जरूर.